अखिल वीडीडी चौल सर्व संगठना एक मित्र संघ के अध्यक्ष राजू वाघमारे जी ने मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। सारा अधिकार से बात करते हुए वाघमारे जी ने युवाओं को संदेश दिया कि हम क्या समाज को दे सकते हैं, इसका महत्व है ना कि समाज हमें क्या देगा। हमें काम करना है और काम करते ही रहना है। बीडीडी चौल के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ऐसे लोग नाईगांव वर्ली में भी है। ये लोगों ने बीडीडी चौल के लोगों को सिर्फ खड्डे में डालने का काम किया है। बीडीडी चौल के लोगों ने हमारी बात सुनी और सहयोग किया, और आगे भी बीडीडी चौल के लोगों से निवेदन है कि आगे भी ऐसा ही सहयोग करते रहेंगे। आपको बता दें, बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट में बीडीडी के रहवासियों को 500 स्क्वायर फीट का 2 बीएचके फ्लैट मिलेगा। वर्ली और नामदोशी मार्ग में 23 फ्लोर्स का टावर कंस्ट्रक्ट होगा। पोडियम फैसिलिटी होगी, पार्किंग फैसिलिटी होगी। हमारे हर इलाके में 40 फ्लोर्स का टावर भी कंस्ट्रक्ट होगा। लोगों को शादी के हॉल्स भी कंसेशन फीस में देंगे। जिम्नाशियम, स्विमिंग पूल, इंडोर प्लेइंग एरिया, युवाओं को खेलने के लिए मैदान, शावर की सुविधा, चेंजिंग रूम्स की सुविधा, ये सारे फैसिलिटीज़ बीडीडी चौल के लोगों को मिलेगी। और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होगा वो top 3 कंपनीज में से ही होगा, वाघमारे जी ने कहा। वाघमारे जी की प्रशंसा करते हुए MNS के बंटी महालिस्कर जी ने कहा कि वो 8 सालों से इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्रीमेंट के नाम पर दूर भागने वाले लोग आज एग्रीमेंट बनाने पर रेडी हुए हैं। लोगों को मोटिवेट करने का काम राजू जी ने किया है। इनके सहयोगी जीवक वहाल जी ने कहा कि ये मामला उस वक्त से चल रहा है जब भाजपा सत्ते में थी और आज महाविकास आघाड़ी सरकार ने वादा किया है कि उनको एग्रीमेंट देंगे। राजू भाई जो कांग्रेस ST सेल का पद छोड़ना पड़ा, 2019 में राजू वाघमारे को उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया और एक ऐसे आदमी को वडाला विधानसभा से खड़ा किया गया जिसको कोई जानता नहीं, कई धमकियों का सामना भी करना पड़ा। मकरन तसगांवकर जी ने कहा कि ये लड़ाई 94 से चल रही है, जब से राजू वाघमारे जी के पिता अरविंद वाघमारे जी थे। आगे उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ते में थी तो GR में ऐसे चीरे डाली गई कि लोग चिंतित होने लगे कि उन्हें घर मिलेगा या नहीं। ये आंदोलन को निडरता के साथ राजू वाघमारे जी ने लड़ा और अब भी लड़ रहे हैं, और आज खुशी की बात है कि हमारी कई मांगे पूरी हो गई। इन सभी लोगों ने राजू वाघमारे जी की प्रशंसा की और उन्हें शुभकामनाएं दी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। कि आपने हर बार जनता के हित के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। कांग्रेस में भी आप प्रवक्ता की पोस्ट पे हो और आपने जनता की सेवा में अपनी सारी उम्र लगा दी है। आपके विचार इतने उत्तम है कि आपने समाज के हित के लिए और उनके नेतृत्व के लिए ही काम किया है, उसके अलावा नहीं किया है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मेरा संदेश यही रहेगा कि समाज जीवन में काम करते समय हमें क्या मिलने वाला है ये विचार करना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को क्या दे सकते हैं ये विचार करके अगर युवा काम करेंगे तो एक ना एक दिन उनकी मंजिल उनको मिल जाएगी। मेरी मंजिल अभी तक तो मुझे मिली नहीं है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि ये मिल जाएगी। खाली अपने को काम करना है और काम करते रहना है, यही मेरा युवाओं के लिए संदेश है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे बीडीडी चौल के लोगों को राहत मिली है, गवर्नमेंट के थ्रू अच्छा पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला है, लीगली भी आप उनको सहयोग कर रहे ताकि जो 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट है वो जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए, तो जैसे आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और रूमर्स फैला रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आप बीडीडी चौल के मैसेज के लोगों को क्या मैसेज दोगे और क्या देना चाहोगे कि क्या होना चाहिए आगे? मैं यही कहना चाहूँगा हमारे बीडीडी चौल के रहवासियों को कि अफवाह फैलाने वाले जो दलाल हैं वो हर विभाग में है। वो नामजोशी मार्ग में भी है, वो नायगांव में भी है, वो वर्ली में भी है। तो ऐसे लोगों के बोलने के ऊपर विश्वास मत रखो। आज तक इन्होंने अब हमें ये बीडीडी चाल रहवासियों को खड्डे में डालने का काम किया है। अगर इनका सुनते थे
हमारे जो आमदार है नायगांव के भाजपा के कोलमकर साहब, हमारे जो ये दिलाय रोड के जो दूसरे माजी आमदार अभी आमदार बने वापस सुनील शिंदे जी, इनका हम उस वक्त सोचते थे, दोनों का सुनते थे, तो हम मेरे सब पीड़ी चाल के रहीवासी रास्ते पे आते, क्योंकि वो जो शर्तें थी वो शर्तें अगर हम मंजूर करते थे तो हमें वापस हमारे घर में आने का कोई गुंजाइश नहीं। तो ये ऐसे झूठ बोलने वाले नेता और उनके आजू बाजू में घूमने वाले दलाल, इनका हमारे रहीवासियों ने सुना नहीं, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे सब कार्यकर्ताओं का साथ दिया, उसकी वजह से सब पीड़ी चाली के रहीवासी बच गए, नहीं तो आज हमारे हाथ में एक पेपर भी नहीं रहता था और हम माहुल या तो बदलापुर में किधर तो भी घर में रहते थे और दादर के खाली सपने या वर्ली के और नामजोशी मार्ग के सपने देखते। तो ये सब इनकी वजह से, हमारे कार्यकर्ता, हमारे ये सब प्रमुख नेता, इनकी वजह से लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा, उसकी वजह से ये पूरा आंदोलन यशस्वी हुआ। तो हमारा कहना यही है कि अभी तक जैसा हमारा सुना वैसा ही इसके बाद भी ये दलाल लोगों को खड़ा करना नहीं है और इनका कुछ भी चीजें सुनना नहीं। जैसे आपके लीडरशिप में आपने कहा कि रीडेवलपमेंट फ्लैट्स होंगे, तो आप ये भी बता दीजिए कि जब फ्लैट की रीडेवलपमेंट होगी तो बीडीडी चौल को क्या फैसिलिटीज और एमिनिटीज उसमें मिलेगी, और आपके लीडरशिप में आपने कितना हार्डवर्क किया है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी जब उन्हें फ्लैट मिलेगा? देखिए, ये 2 BHK का फ्लैट रहने वाला है, 500 फुट का घर रहेगा, वर्ली और नामजोशी मार्ग में 23 माले की बिल्डिंग रहने वाली है टावर, उसके नीचे पोडियम रहेगा, पार्किंग की सुविधाएं उसमें रहेगी। हमारे हर इलाके में, वर्ली में 40 माले का टावर रहेगा वर्ली में, और पार्किंग के लिए वो लोग अलग इमारतें बना रही है सरकार। ये हर एक एरिया के अंदर हम शादी के हॉल, हमारे लोगों को कंसेशन में हॉल मिलना चाहिए, छोटे फंक्शन के लिए हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, इंडोर खेलने के लिए सुविधाएं, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए उद्यान, लोगों के लिए जो हमारे युवा है उनको खेलने के लिए मैदान, उसमें जो सुविधा है शावर की हो, कपड़े बदलने की हो, सब चीज़ें हम उसमें, हमको ये लोगों को हम दे रहे हैं। इसका मेंटेनेंस भी माड़ा करेगी और जो टावर्स है उसका मेंटेनेंस भी माड़ा ही करने वाली है। हम जो इसमें मटेरियल वापरने वाले हैं वो हमने कहा है कि पहले तीन कंपनियां जो है उस मार्केट के अंदर उनका ही मटेरियल यूज़ किया जाए, तो एक अच्छी तरह का एक शहर इस मुंबई शहर के अंदर जो बस रहा है उसका जो पूरा श्रेय है वो हमारे सब ये कार्यकर्ताओं का है और हमारे सभी रहवासियों का है कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा और इस आंदोलन को यहाँ तक लेके आए। तो यही संदेश हम सबको देना चाहते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो आज प्रेस क्लब में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम दिया गया है जो जनता के हित के बारे में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बंटी दादा नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर? आज के प्रेस को लेकर आज हमारे महाराष्ट्र के स्पीकर, हमारे नेता जो ऑल बीडी चौल के जितने भी कमेटी है, जैसे हमारी मुंशी की है, राष्ट्रवादी की है, आरपीआई की है, कांग्रेस की है, उनके हमारे प्रेसिडेंट है राजू भाई, उन्होंने आज प्रेस, हम ही लोगों ने बोला था कि आज प्रेस ले लो, क्योंकि लास्ट 8 साल से राजू भाई इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लोगों तक, एक महाराष्ट्र की जनता तक जाना चाहिए, और उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं की मेहनत से आज जो कल तक लास्ट 6 साल 7 साल जो एग्रीमेंट के नाम पे धुतकारने वाले लोग आज एग्रीमेंट देने पे तैयार हो गए, ये सब श्रेय जो जाता है वो राजू भाई को ले जाता है। और राजू भाई और उनके साथ में हमारे मकरन भाई है, पवार साहब है, जीवक साहब है, हमारे उनके भाई है सुनीत, ये सब की लड़ाई है और उनके लीडर जो है, जो बॉस जो है हमारे राजू भाई है। सर आपका शुभ नाम? जीवक। सर ये जो लड़ाई चल रही थी कितने सालों से चल रही थी और इसमें राजू भाई ने काफ़ी संघर्ष किया और जनता के हित के लिए काफ़ी अच्छे काम किए, तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? ये लड़ाई 8 साल से चालू, जब से भाजपा प्रणीत सरकार ने
भूमि पूजन किया और ऐसी मांगे रखी जो जनता के विरोध थी, जो रहीवासियों के विरोध थी। तो उस तारीख से आज तक ये आंदोलन चालू था, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। अभी ये सरकार ने हमें एक ही एग्रीमेंट देने का वायदा किया है जो नेक्स्ट वीक में तक आ जाएगा और उसके बाद ही लोगों की सिग्नेचर्स होंगे और हम आगे जाएंगे। राजू भाई के नेतृत्व में हमने जो लड़ाई थी, इसकी वजह से राजू भाई को इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपको एक बताता हूँ, राजू भाई कांग्रेस के एससी सेल के अध्यक्ष थे, उनको एससी सेल का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र एससी सेल के अध्यक्ष थे। अभी आप ये समझ सकते हैं कि पार्टी में ही कितना विरोध रहेगा, क्योंकि कुछ नेता पार्टी के भी उनका विरोध था। उसके बाद राजू भाई को 2019 में उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। उस वक्त ऐसे आदमी को उम्मीदवार घोषित किया गया वडाला विधानसभा से जिसको कोई जानता ही नहीं, और कांग्रेस के सिर्फ लॉयल लोगों का वोटर जो रहते हैं उनका ही उसको वोट मिला। बीडीडी चौल में काफ़ी सारे लोग वैसे ही 2019 के बाद MLC को भी हमें यानी डॉक्टर राजू अगमारे को उम्मीदवारी नहीं दी। अभी MLA MLC और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा उनको। ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग धमकियां आती है। मुझे भी मेरे घर पे रात को 1 बजे आदमी लोग भेज के हमको मारने की धमकी आती है। तो राजू वाघमारे को तो कितनी धमकियां आ गई, हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया नहीं जाता है। महाविकास आघाड़ी ने कुछ दिन दिया था, लेकिन अभी पुलिस वालों ने बोला कि वो प्रोटेक्शन हमारे पास पुलिस कम है। तो ऐसे लोगों को ऐसे तकलीफ़ों का सामना हमें करना पड़ा। अभी भी हम लोग वही तकलीफों का सामना कर रहे हैं क्योंकि जो एरिया के कुछ दलाल लोग हैं वो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। आपको जिन लोगों ने धमकी दी या जो लोग आप लोगों के पीछे लड़े, मतलब आप लोगों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपने कोई कंप्लेन की है? यस, हमने 5 मार्च 2022 को गोईवाड़ा पुलिस थाने में हमने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है जो FIR है। कंप्लेंट का रीजन क्या था धमकी देने का, कि ये प्रोजेक्ट रुकना चाहिए, क्या गरीबों को राइट नहीं मिलना क्या चाहिए? होता है हम लोग आपके थ्रू नहीं होना चाहिए? नहीं, रहीवासियों का छोटा छोटा मीटिंग्स होता है कि उसमें हम लोग जाके बताते हैं कि हमने क्या किया है और हम लोग बताते हैं कि लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो उस वक्त कुछ दलाल लोग गालियां देते हैं, कुछ गलत बातें कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमने सिर्फ यही बोला कि गलत बातें करना उचित नहीं है। ये सब लोगों का, सारे रहीवासियों का ये आंदोलन है जिसमें हमें सब लोगों ने एक साथ ही रहना चाहिए। कि जो आप लोगों की लड़ाई कितने सालों से कौन से सन से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, आज आप इतनी बड़ी लड़ाई में जीत हासिल हुई, उसके बारे में हमारी जनता को बताइए। मैं थोड़ी सी स्पष्टता से कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई 1994 से राजू वाघमारे जो हमारे आज के नेता है और एकत्रित संघ के अध्यक्ष है, उनके पिताजी अरविंद सावंत, अरविंद वाघमारे जी, उन्होंने शुरू की। तभी राजू वाघमारे जी उसके बाद में अमेरिका में थे, अमेरिका से वो फिर ये लगन की वजह से 14 साल के बाद वापस आए और इस होड़ में लगे कि हमारे लोगों को अच्छा और पक्का घर मिलना चाहिए। गए 8 साल, 2014 को इसकी महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध जो इससे पहले वाली जो सरकार थी भाजपा प्रणीत उनकी सरकार ने घोषणा की देवेंद्र फडणवीस जी ने, लेकिन उस समय के GR में जो भी कठिनाइयाँ उसमें डाली गए, जो भी जाचक नियम उसमें डाले गए, उसके वजह से लोगों को गुमराह होते गए और लोगों को ये डर पैदा हो गया कि हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आंदोलन का नेतृत्व राजू जी करते करते आज 8 साल पूरे हो गए और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बहुत सारी मांगे पूरी हो गई है, बहुत सारी मांगे पूरी होने की बाकी है। उसके लिए लड़ना अभी राजू ने बोला है कि हम लोग जारी करेंगे। जब तक हमारा एक एक आदमी घर में वापस स्थलांतरित नहीं होता, पुनर्प्रस्तापित नहीं होता, ये लड़ाई जारी रहेगी। और आने वाले समय में अगर बात होती है कि हमारे हक के लड़ाई के लिए आगे आने की, तो राजू जी उसके लिए भी लोगों को सावधान दिया, सुविधाएं और प्रदान करने के लिए आगे है। हमारा मसला था कायदेशीर और सुरक्षित पुनर्विकास जो हमें आने वाले समय में मिल रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ने हमें कल ही गृह निर्माण मंत्री आवास साहब ने बता दिया गया है और आने वाले 10-15 दिन में हमारे हाथ में वेबसाइट पे माड़ा के आ जाएगा, वो पंजीकृत हो जाएगा और हम लोग अच्छी तरह से राजी खुशी सहमति से हमारे घर से बाहर निकल के पुनर्बनने के लिए राजी हो जाएंगे।